जय जोहार साथियों, आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। मैं हूँ प्रमोद कुमार कश्यप और आज विश्व आदिवासी दिवस है। सबसे पहले पूरे बस्तर वाले परिवार की ओर से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे बस्तर के अलग अलग संभागों में विश्व आदिवासी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम देखेंगे कि अलग अलग जगह, चाहे बैला डीला हो, दंतेवाड़ा जिला हो, या जगदलपुर, या बस्तर, या कोंडागांव, या कांकेर, अलग अलग जगहों पे बहुत धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बने रहिए, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप। और आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और उसमें भी बस्तर संभाग या पूरा बस्तर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी दिवस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, हर गांव गांव में या जिले जिले में। और बहुत सारे राज्यों में आज के दिन अवकाश नहीं होता, लेकिन विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आज के दिन सरकारी अवकाश होता है। लोग गांव गांव में या अपने अपने घरों में इस दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, हम देखेंगे कि अलग अलग जिलों पे किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे बस्तर संभाग में। तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोग भी देखिए किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जीवन शैली या जनजाति, उनके बारे में आपकी जो समझ है या सोच है और थोड़ा सा बढ़े। और कभी मौका लगे बस्तर आने, इस टाइम पे अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, काफ़ी मज़ा करेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे कि किस तरह से विश्व आदिवासी दिवस। आप जब भी इस जगह पे जब भी आते हैं इस टाइम पे, तो आपको पूरे यानी एक सप्ताह या एक महीने से पहले आपको आभास होने लगेगा कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। आपको हर हाईवे पे, सड़कों पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्टर आपको दिखेंगे विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, या उसकी पहले से तैयारी कर कहाँ पर एकत्रित होना है, किस तरह से इसे सेलिब्रेट करना है। अलग अलग संभागों में, अलग अलग ज़िलों पे, अलग अलग ब्लॉक स्तर पे इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले से बता दिया जाता है कि इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा और क्या क्या कार्यक्रम होगा। तो लोग गांव गांव से, जिस गांव में नहीं मना, गांव में भी मनाया जाता है लेकिन गांव में छोटे रूप प्रारूप में मनाया जाता है, फिर वो एकत्रित होकर फिर आते हैं अपने जिला मुख्यालय में या संभागों में, वहाँ आकर इस जो फेस्टिवल है उसको बहुत लार्ज तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहता है। यहाँ पर भी आज मैं फरस गांव में हूँ, फरस गांव में आज दिन भर जो भी एक्टिविटी थी या अभी जो भी कार्यक्रम था वो सेलिब्रेट कर लिया गया है। और आज क्या काफ़ी बारिश हो गई थी, तो इसलिए क्या उस समय उन वीडियो को उस समय शूट करना थोड़ा सा दिक्कत था। अभी देख बने रहिए वीडियो पे, आपको दिखेगा कि किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है। Thank you.
मैं साथियों को उपस्थित हुई एक आकर्षक के साथ हमारे अभी जो Thank you.
जो गाइस कि आप देख रहे हैं ये हमारे पारलिंगम जिसको हम अपना गुरुवाना देव मानते हैं, ये यहाँ पर स्थापित किया गया। इसका पूजा अर्चना होगा, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम आपको बाद में दिखाएं। और यहाँ पर भीड़ पूरी तरह से इकट्ठी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हमारे कुछ लोग सभी युवा साथी जवान साथी लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। क्या प्रोग्राम होता है, छोटा मोटा गाँव पारे ले आदिवासी समाज को सांस्कृतिक कार्यक्रम भीड़ है यहाँ पर। हमारे आदिवासी समाज सगाजन आए हुए हैं। और ये नृत्य छाप छोड़ के यानी बता जाता है। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे।
लड़कियां हैं आपस में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस तरह के बस्तर से संबंधित या बस्तर के कल्चर से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को आगे शेयर कर सकते हैं।